प्रीवियस वीडियो में मैं ये सारे 6 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको समझ सकते हैं। आज हम समझेंगे रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड वेब पब्लिशिंग। रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज, इस मेथड में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में से किसी को रिकमेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई ये वाला बंदा जो है इस काम के लिए सूटेबल है, तो आप इस पर्टिकुलर पर्सन को आप इस काम के लिए रख सकते हैं। ऐसे एप्लीकेंट्स गुड एम्प्लॉयज़ साबित हो सकते हैं क्योंकि इनका बैकग्राउंड पहले से ही हमें पता होता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ऐसे कोई रिकमेंड करेंगे जिनको वो खुद पर्सनली जानते हों, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को ही रिकमेंड करते हैं जो उस जॉब के लिए फिट हो। नेक्स्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, इस मेथड में एजेंट्स या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को यूज़ किया जाता है ताकि अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को हायर किया जा सके। कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर के टच में रहते हैं और जब भी कंपनी को अनस्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है शॉर्ट नोटिस पे, तो वो लोग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स प्रोवाइड कर देते हैं। इस मेथड में वर्कर्स लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं जो कि खुद ही एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग। आजकल इंटरनेट बहुत ही कॉमन सोर्स है रिक्रूटमेंट का। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो स्पेशली डिज़ाइन की गई हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके जॉब सीकर्स और जॉब ओपनिंग दोनों की। बहुत सारी वेबसाइट्स जैसे कि www.naukri.com, www.shine.com etc. ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन और अनएम्प्लॉयड दोनों द्वारा यूज़ की जाती हैं। उम्मीद है आपको ये तीनों सोर्सेज भी अच्छे समझ में आया होगा। अच्छी लगी हो वीडियो, समझ में आई हो वीडियो, तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, कीप लर्निंग।